तो आज हम भारत नगर के अंदर प्लॉट नंबर 8 इस्लामपुरा जो एरिया है वहाँ पर प्लॉट नंबर 8 है, और प्लॉट नंबर 8 में गुड्डू मुल्ला ग्रुप की ऑफिस पे आज हम मौजूद हैं, आज ईद के इस खुशी के अवसर पर। और यहाँ पर गुड्डू मुल्ला भाई के ऑफिस पर यूसुफ माड़ी जी, जो कांग्रेस के एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं। तो यूसुफ माड़ी जी, ईद के आज सुनहरी अवसर पर आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, सारे लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दूंगा, ईद की मुबारकबाद दूंगा। तमाम आलम इस्लाम को मेरी तरफ से और मेरी पार्टी और मेरे परिवार की तरफ से ईद मुबारक। अच्छा, देश के लिए अमन और शांति बने रहे, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए आप? देखिए, मैं इस ईद के मौके पर तमाम लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह हम लोग पहले रहते थे, उसी तरह चाहूँगा कि इस ईद के मौके पर सारे लोग उसी तरह रहना, जो हमारे बीच में जो दूरियाँ लोगों ने डाली है, उस दूरियों को ख़त्म करने का आज दिन है, गले लगने का दिन है। तो इस ईद के मौके पर आप सबको यही बोलूँगा कि गले लग कर एक दूसरे में भाईचारा जो हमारा चला गया है, उस भाईचारे को फिर से हमें बनाना है। तो गुड्डू मुल्ला भाई, ईद के सुनहरी अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे और मेरे ग्रुप की तरफ से तमाम भाइयों को ईद मुबारक। ठीक, इमाम जी जो अर्श फाउंडेशन के चेयरपर्सन है, इमाम जी आज ईद के सुनहरी अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले चीज़ तो अस्सलाम वालेकुम, अर्श ग्रुप की तरफ से सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। सद्दाम जी 611 ग्रुप के चेयरपर्सन है, सद्दाम जी आज ईद के सुनहरी अवसर पर क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? मेरी तरफ से सभी भाई लोगों को ईद मुबारक। राह केयर फाउंडेशन के चेयरपर्सन शेख साहब जी, आज ईद के सुनहरी अवसर पर आपका क्या मैसेज है लोगों के लिए? मेरा यही मैसेज रहेगा, तमाम आलम इस्लाम को राह केयर फाउंडेशन की तरफ से पुरखलूस ईद की मुबारकबाद। शुक्रिया। नूर हाजी जी, आज ईद के सुनहरी अवसर पर क्या मैसेज है आपका लोगों के लिए? अरे, मेरा मैसेज ये है कि सबको ईद मुबारक। वाहिद जी, आप आज ईद के सुनहरी अवसर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम पूरे आलम इस्लाम को गुड्डू मुल्ला ग्रुप और यूसुफ माड़ी टीम की तरफ से पुरपोज दिली ईद मुबारक। इसी के साथ में अस्सलाम वालेकुम। अजी अलीम जी, जो 96 वॉट के प्रेजेंट नगर सेवक हैं शिवसेना पार्टी से, तो चलिए बात करते हैं इस ईद के सुनहरी अवसर पर क्या क्या कहना चाहते हैं। सर, सबसे पहली बात तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, आज पूरे हिंदुस्तान में ईद मनाई जा रही है, तो इस ईद के खुशी के अवसर पर, सुनहरी अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूँगा, ईद के शुभ ये वक्त पे ये हिंदुस्तान हर किसी का है, चाहे वो हिंदू का, मुसलमान का, सबका है। सब मिलके रहो, देश जब आगे बढ़ेगा, जब हम मिलके रहेंगे, धर्म में अपने आप को मत बांटिए। आज हमारी ईद है, आप मिलके ईद बनाइए, कल आपकी गणपति होगी, हम मिलके बनाएंगे, यही संदेश देना चाहता हूँ। और भाईचारा सबसे बड़ा अमन है हिंदुस्तान का, जो पूरी दुनिया नज़र से देखती है, और ये भाईचारे को आगे बढ़ाना है। अच्छा, देश के लिए अमन और शांति के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए आपका क्या पैगाम है, क्या मैसेज है? देशवासियों के लिए यही मैसेज है, भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है, हम मिलके रहेंगे, जब ही देश आगे बढ़ेगा और देश तरक्की करेगा, और आने वाले वक्त में जब हिंदुस्तान को नंबर वन देखना चाहेंगे दुनिया के अंदर, कैसे आज लोग अमेरिका को देखते, तो हिंदुस्तान को कब देखा जाएगा? जब हम सब मिलके काम करेंगे, धर्म में एक दूसरे को नहीं बांटेंगे, जब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुणाल सरमरकर जी, ये हर एक लोगों से कंधे से कंधा मिला के उनके वक्त पर खड़े रहते हैं, तो आज हम इनकी ऑफिस में मौजूद हैं। और आज जैसे कि आप सबको पता है कि पूरे हिंदुस्तान में ईद मनाई जा रही है, ईद का त्यौहार है, तो ईद के सुनहरी अवसर पर कुणाल जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, चलिए बात करते हैं। कुणाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कुणाल जी, ईद के सुनहरी अवसर पर आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सभी देशवासियों को ईद की शुभकामना देना चाहता हूँ, और बाकी जो ये माहौल चल रहा है अभी, ठीक है, तो अमन और शांति को लेकर देश में, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? उसके लिए छोटा ही मैसेज है, बहकावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, भड़कावे पे मत जाओ, इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। बाकी पब्लिक समझदार है, किसी के भड़कावे पे या बहकावे पे जाएगी नहीं, और कुछ गलत करना चाह रहे कुछ लोग, ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद। तो आकिब शेख जी, आज पूरे हिंदुस्तान में ईद का खुशी का अवसर है, तो
तो ईद के खुशी सुनहरी अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पूरे भारतवासियों को मेरी तरफ से ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। अच्छा, और देश में अमन और शांति के लिए आपका क्या पैगाम है देशवासियों के लिए और देश के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखिए। ईद के सुनहरे अवसर पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जैसे कि आप तो अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को मेरी तरफ से और सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, जो भी है हिंदू मुस्लिम भाई, हम लोग सब भाई भाई लोग हैं, सब आपस में मिलकर रहो, इंशाल्लाह जो भी होगा सब मिलकर काम करेंगे। ईद के इस खुशी के अवसर पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सब में पहले तो अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाइयों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं एक ही बार सबसे कहना चाहूँगा कि फालतू राजनीति पे और फालतू भाषणों पर मत जाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, तो अमन और शांति से रहिए। ईद के सुनहरी अवसर पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सब में पहले बात तो पूरे देशवासियों को ईद की, ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएँ। और एक पूरे देश में बहुत अच्छे से ईद मनाया गया, खुसूसन महाराष्ट्र में अमन सुख शांति के साथ मनाया गया, सब लोग भाईचारे से मनाया गया। हिंदू ने मुसलमान का साथ दिया, सब मुसलमान ने हिंदू का साथ दिया और एक अमन का पैगाम, एक मैसेज दिया लोगों ने कि हम सब एक है, यहाँ कुछ भी अलग नहीं है। ये एक मैसेज जाता है लोगों के लिए, जो लोग गलत वातावरण और गलत माहौल बना रहे हैं महाराष्ट्र में, खुसूसन महाराष्ट्र में, उनके लिए एक अच्छा मैसेज जाता है। अदनान जी, आज पूरे हिंदुस्तान में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो ईद के आज सुनहरी अवसर पर आप देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, सबसे पहले सबको ईद उल फितर की बहुत सारी मुबारकबाद। मैं सबसे हमारे लोगों से गैर को हम सबसे ये कहना चाहूँगा कि हमको अमन बनाए रखना चाहिए, ऊपर अल्लाह हमको तरबियत दे अमन रखने की, अमन और शांति रखने की तरबियत दे और हमको ज़िंदगी भर एक दूसरे के साथ खड़े रहने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम। हुसैन मंसूरी जी, ईद के इस खुशी के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को और आपके अपने लोगों को, बोलिए। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा हमारे लाडले मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे का, जिन्होंने जो देश में जो माहौल चल रहा है, जो हिंदू मुसलमान हर स्टेट में हो रहा है, लेकिन वो महाराष्ट्र में आने नहीं दिया अभी तक। और जो हिसाब से उन्होंने हिंदू और मुसलमान को एक होके एकता दिखाई और संभाला है, ऐसा कोई समझो मुख्यमंत्री ने किया नहीं, तो उनका मैं दिल से शुक्रगुजार बोलना चाहूँगा। और दूसरी बात, जो हमारे भाई लोग हैं हिंदू मुसलमान, उनको मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ एक दूसरे के साथ में मेल मोहब्बत में रहे, किसी के बहकावे में और भड़कावे में आवे नहीं, क्योंकि एक दूसरे का साथ लेके चलेंगे तो ही अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। और ईद के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ईद के लिए यही मैसेज देना चाहूँगा कि ईद हमारी रोज़ आवे और गरीब बच्चों के लिए हम रोज़ ईद लेकर आवे, यही हमारी तमन्ना है और यही हमारी प्रार्थना है, इंशाल्लाह ये हम करते रहेंगे। बस इतना कि ये मेरी टीम मेरे साथ में, हमने हर साल के लिए तरह ये साल में काम करते रहे, इंशाल्लाह मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं अपने गांव के लिए, अपने भाई लोग के लिए और हर चीज़ करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कल ईद की नमाज के बाद में हिंदू भाई और मुसलमान भाई एक दूसरे से गले मिले, बस मेरी ये दुआ है कि आप भी हमसे आगे मिले। के लिए क्या मैसेज है लोगों को? मैं तो लोगों को सबसे पहले तो मैं लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और सबसे गुजारिश करता हूँ क्या है, सब अपने अपने घर में खुशियाँ मनाएं ईद की, एक महीने सब ने रोज़े रखे, उसके लोगों से मिले, भाईचारा रखे अपने आप में,